वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु। तो आज है हैप्पी भैया दूज। तो आज है भैया दूज, तो आप सभी को मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी भैया दूज। तो आज खुशी कैसे मनाई है भैया दूज, तो वो दिखाती हूँ और फिर अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंजॉय करोगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर खुशी मना रही है भाई दूज कान्हा जी के साथ। अभी खुशी आरती दिखा रही है। फिर टीका लगा दी बेटू, वाह फर्स्ट है तो खुशी। थोड़ा सा अपना फेस दिखाओ, बोलो हैप्पी भैया दूज। हैप्पी भैया दूज। चलो तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो खुशी कैसे मनाया है, गोपाल जी के साथ मनाया है। खुशी राखी भी ऐसी मनाती है, जो कि आपने राखी वाला ब्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं बेल आइकन पे डाल दूंगी, वहां से देख लेना। और मैं एक सिंपल मेकअप लुक की हूँ, जो कि नो मेकअप लुक है, और सूट पहनी हूँ पिंक कलर का। पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी, फिर मैंने सोचा सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि उतना तबीयत भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो मुझे जुकाम के वजह से पूरा नोज पे ना वो एक घाव की तरह निकल गया है इस वजह से। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच पे, तो वहां चलिए चलते हैं, साथ साथ गप्पे भी छोड़ेंगे, आप लोग से बातें भी करते रहेंगे। तो चलिए। और जब जानू के साथ कहीं जाते हैं तो जो कि घर का लाइट रहता है, गैस सिलेंडर बंद करना रहता है और घर में लॉक लगाना रहता है, वो जानू करते हैं। तो मैं खुशी नीचे चली गई है और मैं जा रही हूँ, और जानू अपना काम कर रहे हैं पूरा ईमानदारी से, मेहनत फुल डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ जो भी काम करते हैं वो बहुत एकदम डेडिकेशन के साथ करते हैं, क्योंकि वो है बुद्धा को फॉलो करते हैं। बुद्धा ये क्या बोलते हैं उनका पूरा नाम क्या बोलेंगे, गौतम बुद्ध। बुद्धा बहुत तरह का, बुद्धा में एक ये होता ना, बहुत बातें होगी, लाफिंग बुद्धा नहीं। और भैया दूज पे मैं यही बोलूंगी, जहाँ पर जो भी भाई बहन है, या तो आप देखो जैसे कि मेरे भाई भी यहाँ पर नहीं है, वो अपने जॉब के पर्पज से जहाँ पर रहता है वहीं पर है। तो जो जहाँ पर है वहीं पर खुश रहे, बहुत अच्छा लगता है जो जहाँ पर है, ना कि कितने लोग रोने धोने लगते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इंजॉय करो और हैप्पी हैप्पी, कोई भी फेस्टिवल भैया दूज हो, राखी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप हैप्पी मनाओ उसको और इंजॉय करना चाहिए। मन में ही सब कुछ इंजॉय होता है। जानू को कुछ बोलना है इस बात पे, थोड़ा सा बोल दीजिए। इस बात पर मैं आपको गौतम बुद्धा के कोट बोलना चाहता हूँ, जो किसी ने कहा था बुद्धा से, जो व्हाट आर द पथ्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के रास्ते क्या है। गौतम बुद्धा ने कहा कि देयर इज नो पथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज अ पथ, खुशी ही रास्ता है। तो यही है, खुशी अपने आपके अपने अंदर से ही खोजना है, खुशी जरूरी नहीं है बाहर खोजने की। बुद्धा को दिखाते हैं, डार्लिंग बुद्धा को। मेरे पूरे घर में ही बुद्धा का स्टैचू देखने को मिलेगा, दिखा रही हूँ मैं। ये रहा, बहुत सारे है बट अभी बहुत ये लग जाएगा विवेक। पीछे देख रहे होंगे जो जानू लॉक लगा रहे, लॉक लगा के आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं लंच पे। तो दिखाती हूँ खुशी नीचे में खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो दिखाती हूँ, खेलना ही रहता है हमेशा उसको। खड़ा है खुशी, यही तो खुशी आ रही है। खुशी हैप्पी भैया दूज बोलो भैया सबको, हैप्पी भैया दूज। हम लोग जा रहे हैं, और आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा जो मुझे उतना मेकअप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फेस्टिवल पे करना और ऐसे नॉर्मल घर में वो होठों पे लाली आंखों में कजरा ये करके अच्छा नहीं लगता रहता है। नॉर्मल रहना बहुत पसंद है मुझे। हाँ, और क्या बताएंगे, यही सब है मेरा। छोटी छोटी खुशियाँ को हम लोग बहुत अच्छे तरह से इंजॉय करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को बहुत तरह अच्छे से इंजॉय करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और सुबह में सबसे बात भी हो गई है, जैसे मेरी बहन हुई, ननद हुई, भाभी हुई, भाभी मतलब क्या ये जेठानी जिसको बोलते हैं वो मतलब भैया का पत्नी। तो वहाँ पर एक उनको एक लड़का है, और सबसे बात हो चुकी है फैमिली में अपने से बड़ों से,
तो बहुत अच्छा लगा, सबसे बात हो गया, अच्छा अच्छा से सब रहे, सब जो जहाँ पर है। ओ सॉरी, मैंने भैया का पति बोल दी हूँ, मतलब मेरे जो जेठ जी लगेंगे उसकी पत्नी, तो मेरी जेठानी लगेंगे और हम लोग दीदी बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, जो जिसको ठीक लगता है वो बोल देता है। और मेरा पति तो हमेशा ऐसे खुला रहता है। ओ गेट, तो अभी गेट बंद है, हम भाभी को फोन कर रहे हैं, जो भाभी लॉक लेके आएगी, अभी बंद हो जाता 12 बजे, सिक्योरिटी का मामला होता है इसलिए गेट बंद हो रहता है। अभी भाभी को मैं फोन करूंगी, वो की देंगे तब जाऊंगी। तो शायद भाभी जो है आ चुकी हैं और हम लोग सोचे कि मेन गेट से निकल जाएंगे, लेकिन आ गए गेट खोल, तो अभी हम लोग चलते हैं। बहुत सिक्योरिटी का होता है ना आईएस लोग। मना रही है, साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हुई। पहले हम की सोचने चलो साड़ी पहन ले छे हम। हूँ अरे हम कल की तनु को ब्याह के लिए प्रैक्टिस कर। हां सब प्लीज प्लीज हम ही जाकर ले भाभी को फोन करो। मैं बोल रही हूँ जो भाभी को फोन करो, हम लोग मेन गेट से आ रहे हैं। नहीं हम तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लंच करके आ रहे हैं, अभी टाइम हो गया है 4:15 हो रहा है, तो हम लोग लंच के साथ साथ इवनिंग टी भी करके आए हैं वहाँ से, और इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर, खाना वाना खाए, फिर बहुत हंसी मजाक हुआ, पिछले टाइम की बातें किए हम लोग, जहाँ रहते थे क्वार्टर सब में, वहाँ सब की बातें किए, बहुत ही मज़ा आया। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बस लाइक एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय खुशी।